का आजादी आजादी, मर्द ये जानना चाहते कि औरतों को कैसी आजादी चाहिए। हस्बैंड का डेथ थ्रेट्स का, रेप थ्रेट्स का, तो मर्दों ने अगर यहाँ पर कम ना, वो एज का कसूर है, किसी का कसूर नहीं है सिवाय इसके कि किसी से कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि बीवी भी पूरे कपड़े पहनती है, उसकी भी ज्यादती होती है। लेट्स टॉक अबाउट मैरिटल रेप। खिलाफ क्यों? देखिए, खिलाफ इसलिए कि ये देखें ना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हम तो यहाँ पे बेहयाई, बेगैरती, लेकिन यहाँ कुछ कमजोरियाँ हैं। लोग इनका ड्रेसिंग अच्छा नहीं, लिबास अच्छा नहीं, इनके नारे अच्छे नहीं, बात करने का स्टाइल अच्छा नहीं, मुतालबात करने का स्टाइल अच्छा नहीं। इनको पता नहीं हमारे मुतालबात क्या है, हमारे हक क्या है, हमारी राइट्स क्या है। Assalamualaikum everyone, this is me Sadia Akbar and you are watching Value News। नाज़रीन, 8 मार्च ऑल ओवर द वर्ल्ड मनाया जाता है, इसी तरह पाकिस्तान में भी 8 मार्च वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर औरतें जो हैं हजूम उनका काफ़ी मौजूद है और उनका एक ही मुतालबा है, औरत को चाहिए आज़ादी। आज़ादी उनको कैसी आज़ादी चाहिए, यहाँ पर मौजूद औरतों से बात करूँगी। क्या उनको ये आज़ादी चाहिए कि मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी वाली आज़ादी चाहिए, इन्हीं से बात करते हैं, पूछते हैं उनको कैसी आज़ादी चाहिए। इसी के साथ आपको बता दूँ कि सिक्योरिटी का सख्त इंतज़ाम भी किया गया है यहाँ पर, औरतों को सेफ्टी भी है, तो आइए उनसे बात करते हैं। अच्छा, डीसी लाहौर हमारे साथ मौजूद है, आप मुझे ये बताएं कि औरत मार्च के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं? हमने इनको इजाज़त नहीं दी मार्च की, मगर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इन्हें मुनासिब सिक्योरिटी दें। ये जिस भी तबका फिक्र से लोग आते हैं वो अपना आवाज़ उठाने का हक एक्सरसाइज करके पुरअमन तरीके से डिस्पर्स हो जाएं। अच्छा, इस दफ़ा जो प्ले कार्ड्स उठाए होते हैं पिछली बार के निस्बत, इस दफ़ा जो है काफ़ी चेंजेस आ गई हैं, तो ये आपको लगता है कि भाई जो पिछला प्रेशर आया था मर्दों की तरफ से, काफ़ी लोगों ने इस बात को उठाया भी, तो आपको लगता है कि वो प्रेशराइज हुई हैं औरतें और स्लोगन चेंज कर ली हैं? आपको बताती हूँ, ऐसे मैंने इतना नोटिस नहीं किया कि क्या बात करी है, लेकिन जो प्रेशर आया था ना, वो प्रेशर था हरासमेंट का, डेथ थ्रेट्स का, रेप थ्रेट्स का। तो मर्दों ने अगर यहाँ पर कम डराने वाले प्लाकार्ड से लोगों के लिए, तो हमने इन औरतों को बहुत तंग किया है, ठीक है ना। जो ये कुछ मैं ये नहीं कह रही आप लोग करते होंगे, बट कुछ सहाफ़ियों ने, कुछ यूट्यूबर्स ने बहुत तंग किया। मैंने एक वीडियो बनाई थी, मेरा भी एक चैनल है, ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाई थी 2 साल पहले औरत मार्च की। मुझे पिछले साल की मार्च में लड़की की कॉल आई कि आपकी उस वीडियो में मैं थी, और मुझे लड़के गंदी गंदी मेरी पिक्चर निकाल के डॉक्टर करके मुझे मैसेज कर रहे हैं, उसको प्लीज़ डिलीट कर दें आप। यही तो हमने हाल किए हुए हैं अपने, ठीक है ना। तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि इनके प्लाकार्ड अब बेहतर हो गए हैं, जो भी सवाल ये कि आपने क्या सलूक किया इन औरतों के साथ कि उनको। और देखो यार, प्लैकार्ड्स की एक डिबेट रहती है, ठीक है, एक जमहूरियत है, यहाँ पर तमीज़ से हम गुफ्तगू कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन किसी को रेप थ्रेट देना, किसी को डेथ थ्रेट देना, उसको इतना डरा देना, मेरे सामने बच्चियाँ रोई हैं यार, ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का इस्लाम है। मर्दों का एक ही सवाल है कि औरत चाहती है आज़ादी, आज़ादी एक ही नारा है, क्यों चाहती, कैसी आज़ादी चाहती है? यार ये तो ऐसे बहुत ही पुराना सवाल है और इसका पता नहीं सबको अवेलेबल है जवाब, लेकिन आज़ादी यार तशद्दुद से आज़ादी, ठीक है ना, वायलेंस से आज़ादी, अनसेफ्टी से आज़ादी। आज़ादी से मुराद है कि यार हमें भी पाकिस्तान के बराबर शहरी मानो, ये सिर्फ बात है, हमें भी पाकिस्तान के बराबर शहरी मानो, और अगर आप हमें बराबर मानोगे तो उसमें आपका नुकसान कोई नहीं है। जब ये बताएं कि यहाँ पर एक ही नारा है औरतों का, आज़ादी आज़ादी, मर्द ये जानना चाहते हैं कि औरतों को कैसी आज़ादी चाहिए? ऐसी आज़ादी चाहिए कि जैसे कि वो मर्द बीच में से मर्दों के चल के आ रहे हैं, मैं भी वहीं से गुजर के आई हूँ, मुझे नहीं चाहिए कि लोग मुझे स्कैन करें, और मुझे नहीं चाहिए कि मैं डरती रहूं कि मैंने अगला सांस फूंक फूंक के लेना है कि मुझे कहां से हाथ लगेगा। वो वाली आज़ादी, आज़ादी सिर्फ औरतों की नहीं, उन मर्दों की हु सफ़र एट द हैंड्स ऑफ निगलिजिबल हैंड्स ऑफ पेट्रियार्की एंड जो पितरशाही का माइंडसेट है, उस अम्ब्रेला के नीचे जो जो हकूक, चाहे वो मार्जिनलाइज ग्रुप्स के हों, चाहे वो हमारी ट्रांस कम्युनिटी के हों, चाहे वो औरतों के हों, चाहे वो मर्द के हों। तो ये जंग मर्दों के खिलाफ नहीं है, ये जंग एक माइंडसेट के खिलाफ जिसका शिकार है हम सब। तो ये सारा कुछ है, मैं चाहूँगी इससे पहले कि लोग इन चीज़ों पे इख्तलाफात करें, हर प्लेकार्ड हर चीज़ के पीछे एक स्टोरी है, पूरा मैनिफेस्टो है। आई वुड लाइक पीपल टू अवेयर देमसेल्व्स एंड देन कम इन क्वेश्चन। अच्छा, बहुत सारे मर्दों का ये भी कहना है कि औरत छोटे कपड़े पहनती है तो ज्यादती केसेस बढ़ते हैं, क्या आपको लगता है? मुझे लगता है कि जब आदमी अपने आप को कंट्रोल नहीं, नफ्स का कॉन्सेप्ट बहुत अर्ली सिखाया जाता है, जब आदमी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता तब ज्यादती के केसेस बढ़ते हैं। और ज्यादतियाँ तो कमरों में भी होती हैं, बंद दरवाजों के अंदर भी होती हैं, लेकिन हम मैरिटल रेप को कहीं पे पहुंचाना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो उन लोगों का एजेंडा सर्व करते हैं जो ऑफिस होल्ड करते हैं,
और बस अफसोस की बात यह कि वो मर्द हैं। तो जब औरतों के राइट्स की बात कर रहे हो तो क्यों ना वही लोग बात करें जो उन शूज में होते हैं। तो ज्यादती की बात जहां तक है वो ना कपड़ों का कसूर है ना वो एज का कसूर है, किसी का कसूर नहीं है सिवाय इसके कि किसी से कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि बीवी भी पूरे कपड़े पहनती है उसकी भी ज्यादती होती है। लेट्स टॉक अबाउट मैरिटल रेप, लेट्स टॉक अबाउट द राइट्स जो कि आप लोग नहीं दे पाते हैं बिकॉज वो आपके इंटरेस्ट में होता है। आप क्यों आए हैं औरत मार्च में? मैं देखे पाकिस्तानी हूँ, मैं भी लाहौर में रहता हूँ, मैं भी तो मेरा भी दिल किया कि मैं अपनी आवाज़ जोन सी है वो उठाऊँ जाके इनके खिलाफ। खिलाफ क्यों? देखिए खिलाफ इसलिए कि ये देखे ना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हम तो यहाँ पे कि इसको इस पर पाबंदी लगाई जाए, ये जो बेहयाई होती है। पर अफसोस है कि इमरान खान साहब की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया और ये लेना चाहिए क्योंकि औरत मार्च हर जगह पर हो रहा है, जमात इस्लामी का भी हो रहा है, बाया पहन के होता है वो पुरमन होता है, हम उसके साथ हैं, पर ये गलत है चीज, ये नहीं होनी चाहिए। औरत मार्च में आप भी मौजूद हैं, इसका मतलब आप भी औरत मार्च को सपोर्ट करते हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि एज अ मेल ये बहुत ज़रूरी है कि हम औरतों के साथ खड़े हों इस कॉज के अंदर, जहाँ पे बहुत सी औरतें यहाँ पे मौजूद नहीं हैं तो हर बंदा यहाँ के एक अपना पार्ट प्ले करे कि उनको बताए कि हाँ जी हम औरतों के साथ जो जुल्म होते हैं, फोर्स्ड कन्वर्जन्स होती हैं, रेप केसेस होते हैं, वो सारे हैं जो जस्टिस उनको नहीं मिलता उसके साथ हर इंडिविजुअल यहाँ के अपनी सपोर्ट शो करे, यही हमारा बेसिक। यहाँ पर औरतों का है कि नारा आज़ादी आज़ादी, किस किस्म की आज़ादी? मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली आज़ादी। देखें एक चीज़ को किसी भी एक स्पेसिफिक स्लोगन के अराउंड घुमाना नहीं चाहिए, हम सिर्फ आज़ादी का मतलब ये नहीं है, आपके अपने बॉडी ऑटोनॉमी है, आपकी सोसाइटी के अंदर फ्रीली घूमने की है, यहाँ पे एज अ औरत घूमना आराम से स्ट्रोल करना है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो एक सेफ स्पेस होनी चाहिए जो कि स्टेट को प्रोवाइड करनी चाहिए कि हाँ भाई एक मर्द अगर सेफ महसूस करता है कि उसके साथ कोई पंगा नहीं ले सकता तो एक औरत के साथ भी नहीं लेना चाहिए, तो इस समाजी जो रुकावटें हैं उससे आज़ादी चाहिए। आपने कार्ड पकड़ा हुआ, गंदी नज़रों से देखना बंद करो, रेप करना बंद करो, कंट्रोल करना बंद करो। खवातीन को उनकी इजाज़त होनी चाहिए, वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकें, वो पढ़ना चाहती हैं वो पढ़ सकें, वो स्कूल जाना चाहती हैं वो कॉलेज जाना चाहती हैं, यूनिवर्सिटी जाना चाहती हैं वो जा सकें, वो काम करना चाहती हैं वो काम कर सकें, उनके जिस्म पे किसी किस्म की कोई गंदी नज़र ना पड़े। आप समझते हैं कि हमारी सोसाइटी में ख्वातीन बेचारी जब कामों पे जाती हैं तो कितना हरासा किया जाता है, तो इन तमाम चीज़ों के हम खिलाफ़ हैं कि ख्वातीन एक आज़ाद ज़िंदगी गुजार सकें। जैसा कि मर्दों का ये कहना है कि औरत को कैसी आज़ादी चाहिए, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली आज़ादी चाहिए, ये आपके मैं आपसे सवाल करती हूँ, आपको क्या समझ आती है इसमें? मुझे ये समझ आती है कि मैं चाहती हूँ इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वो अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार सके। मर्जी बिल्कुल यही कि हर कोई अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सके और किस उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई उसके जिस्म के ऊपर तशद्दुद ना करे। अपने चार्ट पकड़ा हुआ है पूरा बॉडी शेप के ऊपर पकड़ा हुआ है, क्या है इसका मकसद? इसका मकसद ये है कि स्पेसिफ़िकली जो पाकिस्तान में रिश्ता कल्चर है जिसमें लड़कियों के लिए इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई अब तो व्हाट्सएप के ऊपर आती हैं, पतली हो, नाजुक हो, पढ़ी लिखी हो, डॉक्टर भी हो लेकिन घर पर रहे, ये सारी रिक्वायरमेंट्स सुपरफिशियल हैं और इनको नहीं होना चाहिए। लड़कियां सारों एक मोल्ड से नहीं बनी, वो एक जैसी नहीं होती, उन सबको एक ही मोल्ड के उस पर कर देना कि नाक पतली हो, गोरा रंग हो, लंबा कद हो, ये सब कुछ इररेलेवेंट चीज़ें हैं। और लड़कियां सिर्फ उनकी सूरत शक्ल ही नहीं है, लड़कियों की पर्सनैलिटी होती है, उनकी कमिटमेंट्स होती हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, उनके ऊपर फोकस करें। नाजीन औरत मार्च में मर्दों की खासी तादाद भी मौजूद है, तो यहाँ पर एक है मर्द, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताएं कि आप औरत मार्च को सपोर्ट करते हैं तो क्यों? अच्छा पहली तो बात है हमें समझना चाहिए औरत मार्च की जहाँ तक तकरीर है जो कल वाकया हुआ है मियाँ वाली के उसको देखा जाए तो हर रोज़ भी औरत मार्च किया जाए तो कम है उस आवाज़ें, लेकिन यहाँ कुछ कमज़ोरियाँ हैं, लोग इनका ड्रेसिंग अच्छा नहीं, लिबास अच्छा नहीं, इनके नारे अच्छे नहीं, बात करने का स्टाइल अच्छा नहीं, मुतालबात करने का स्टाइल अच्छा नहीं, इनको पता नहीं हमारे मुतालबात क्या है, हमारे हक क्या है, हमारी राइट्स क्या है। पहले तो इनमें इतना शऊर होना चाहिए कि इन्हें पता हो कि हमने मांगना क्या है, ये जो जो मुतालबात कर रहे हैं ये इनके मुतालबात नहीं बनते, ना ही मुतालबात कर रहे हैं, इनके मुतालबा कह लो जी मैं बैठ गई ऐसे बैठूँ फलाम बैठूँ, मुझे आज़ादी है मुझे वैसे घूमना दिया जाए, इनके स्लोगन और नारे गलत हो सकते हैं लेकिन औरत को उतना ही हक है जितना मर्द को है, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, अगर औरत और मर्द दोनों इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा है और इन्हीं से नस्ल चलती है, इन्हीं से ज़िंदगी चल रही है, एक गाड़ी के दो पहिए हैं, एक दूसरे का लिबास है, औरत को उसका हक मिलना चाहिए। देवो मुझे ये बताएं कि मर्दों का ये कहना है औरत छोटे कपड़े पहनती है तो ज्यादती केसेस बढ़ते हैं, आपको लगता है? क्या औरत छोटे कपड़े पहनती है तो ज्यादती केसेस बढ़ते हैं? उसकी वजह ही है, उसकी वजह है कि हमारे यहाँ अभी इतना शऊर नहीं आया, कोई चीज़ भी आपको इतनी सस्ती से मिल जाए। मसला यह है कि हमारे यहाँ
एक किस्म की पाबंदी है। वजह यह है कि हम असल में एक मज़हब से वाबस्ता हैं, हम इस्लामी मुल्क में रहते हैं, हम मुसलमान हैं, हमारी चीज़ है। तो जो चीज़ जिससे भी आपको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, एहतियात की जाए, उसमें कशिश होती है, जिस चीज़ से भी रोका जाए। हमारा मज़हब कशिश से मतलब ये कि मर्दों का ईमान इतना कमज़ोर है। क्या मर्दों का ईमान इतना कमज़ोर है? हाँ, इसमें कमज़ोरी है मर्द की। मैं कहते हूँ इसमें यह है कि औरत को भी चाहिए कि वो भी एहतियात करे और मर्द को भी चाहिए। देखिए, ये इंसानी फितरत है इंसान की, अगर वो ये कशिश ना हो और मर्द में, तो कभी मर्द को औरत से मोहब्बत ना हो। ये इंसान की फितरी ज़रूरत है। और इंसान हमारे आप इतना सुलझा हुआ नहीं, इतनी उन चीज़ों पे नहीं पहुंचा कि वो चीज़ें फिर इसके आगे वो अपने आप को कंट्रोल कर सके। आप भी औरत मार्च में आया, क्यों आए? औरत मार्च में वैसे ना क्या कहते हैं, देखने आए हूँ कि यार इस दफ़े के स्लोगन और चीज़ें चेंज है या फिर वैसी की वैसी, तो वो चेक करने आया था कि यार चीज़ें एक्सेल की हैं या फिर ख़राब हुई। आपको लगता है कि पहले जैसी चीज़ें हैं? नहीं नहीं नहीं, चीज़ें ना चीज़ें थोड़ी बेहतर हुई हैं और ना कवरेज भी ज़्यादा हो गई है और लोग भी ज़्यादा हो गए। आज इतने मैंने क्राउड देखा, इससे पहले औरत मार्च में मैंने इतना क्राउड नहीं देखा। यहाँ पर औरतों का एक ही नारा है, आज़ादी आज़ादी। कैसी आज़ादी? वो ना शायद उनके ना घरों में शायद उन्हें आज़ादी नहीं मिली, तो वो यहाँ आके ना आज़ादी मांग रही होंगी, ये हो सकता है। आप सपोर्ट करते हैं? मैं सपोर्ट बिल्कुल करता हूँ। जो भी जो मर्ज़ी करें उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसकी मर्ज़ी है जो मर्ज़ी करे। हमें कोई अगर चीज़ से रोकता है तो हम और ज़्यादा उसके लिए करेंगे। अगर आप जितना इन्हें रोकने की कोशिश करेंगे ना, और ज़्यादा फैलेगा। वैल्यू न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम मालूमाती वीडियो से बाखबर रह सकें।